हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ज्ञान आर्ट। कुछ मोर पंख लेने के बाद आज की आइडिया है हेड गियर बनाना। सो ये मेजरमेंट लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ से मोर पंख को कट कर दिया है कैची के मदद से। मैंने सोचा आप लोगों को कुछ अलग दिखाऊं, तो फिर मैं ये हेड गियर का आइडिया लेके आया हूँ। तो ये मोर पंख कट हो गया है। ऐसे हम कुछ पांच मोर पंख हम लेंगे। ये कट होके रेडी है पांच मोर पंख। देन बाजार में आपको 10-15 रुपए का ऐसा बेल्ट मिलेगा प्लास्टिक का। सो यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेना है सेंटर में। देन 1, 2, 3, 4 एंड 5 मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद गरम सुई के मदद से हम लोगों को वहाँ पे होल कर लेना है। पहले मैंने सेंटर में कर लिया है, देन आफ्टर आजू बाजू में चार चार होल किए हैं। सो आप देख सकते हो, सॉरी चार चार नहीं, दो दो होल किए हैं। फिर ऐसे टोटल 5 होल हो गए हैं। आप देख सकते हो होल, ऐसे होल रेडी हो गए हैं। ध्यान रखें गरम सुई से बच्चों को पास ना रखें, बच्चों को गरम सुई के। फिर हम मोरपंख जो कट किए हैं वो एक एक होल में इंसर्ट करते जाएंगे। जैसे कि ये मैं सेंटर वाला पहले कर रहा हूँ, तो बड़ी ही ध्यान से आपको इसको करना है, क्योंकि ये करते टाइम मोरपंख की डंडी बेंड हो सकती है, टूट सकती है। सो ये मोरपंख मैंने इंसर्ट कर लिया है सेंटर वाला। इसको और कुछ थोड़ा इंसर्ट करना है आपको, थोड़ा पैक करने तक। सो मैं इसको और थोड़ा अंदर डाल रहा हूँ। सो ये सेंटर का मोरपंख रेडी है। देन दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा मोरपंख हम लगा लेंगे। आप मेरे शक्ल पे मत जाओ, कुछ सीरियस काम करते टाइम मेरा शक्ल ऐसे ही दिखता है कुछ। सो मेरा मुंह बंद हो जाता है और मेरा पूरा कंसंट्रेशन मेरे काम पे रहता है, तो मेरे एक्सप्रेशंस पे मत जाओ। सो ये पांचवा मोरपंख हमने लगा लिया है ऑलमोस्ट, और आप देख सकते हो उसमें अंदर की साइड पे कुछ एक्स्ट्रा डंडी है। ये एक्स्ट्रा डंडी हम काट लेंगे कैंची के सहारे। सो ये एक्स्ट्रा डंडी हम काट रहे हैं। ये एक्स्ट्रा डंडी काटने के बाद हमारा हेड गियर ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। हेड गियर इज बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज लग रहा है, सो हम इसको कॉमन बेल्ट भी बोल सकते हैं। सो ये कुछ इनोवेटिव बेल्ट है, आप भी आपके बेबी गर्ल को ये बना के दे सकते हो, कुछ अलग रहेगा। सो ये बेल्ट मोरपंख का रेडी है, बहुत ही इजी है। ये बेल्ट आपको कैसे लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो टू माय चैनल ज्ञाना आर्ट।